बिलासपुर जिला के घुमारवी उपमंडल के तहत आने वाली मरहाना पंचायत के ग्रामीण इन दिनों तेंदुए के घर से खौफजदा है। जी हां, खूंखार तेंदुए का तंग केवल एक या दो गांव में नहीं बल्कि मरहाना पंचायत के पांच गांव के सैकड़ों ग्रामीणों डरा रहा है। लगभग डेढ़ साल पहले भी मरहाना पंचायत में तेंदुए का खौफ देखने को मिला था, जिसने पंचायत से संबंधित दो मासूम बच्चों व साधु लगती अन्य पंचायतों के एक बच्चे को अपना शिकार बनाया था। वही अब डेढ़ साल बाद एक बार फिर तेंदुआ लौट आया और इस बार मरहाना पंचायत के कुठेड़ा, भंजवानी, झंझवानी, भियौल, मलोट व पपला गांव में इसका आतंक देखने को मिल रहा है। ऊपर पौड़ियां चढ़ी है, हाँ दरवाजे भी चूर लाता रहा बड़ी देर तक, अंदर कुत्ता रहा चू चू करता। गांव में रोज हर रोज तेंदुआ और मृग आते हैं। मैं चाहती हूं कि विभाग से किसको या पकड़े या इसके में संविधान करें और हमारे गांव में सबको बहुत दिक्कत है, सभी बच्चों को भी और पशुओं को भी इससे बहुत खतरा है। कितने दिनों से लगातार ये कोई 10-15 दिनों से हमारे गांव में रोज शाम के टाइम और सुबह के टाइम कभी कभी दिन में भी आता है और लोगों को घास काटने के जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है, स्कूलों के लिए जाने के लिए बच्चों को भी स्कूल जाने के लिए दिक्कत होती है। इसलिए विभाग से गुजारिश है कि आप इसका कोई निर्णय लें या पकड़ें या कुछ संविधान करें। हमारे गांव झंझवाणी, कुठेड़ा, भ्योल, पपड़ा, मलोट इन तीन चार गांव में जो है वो आजकल तेंदुए की बहुत दहशत फैली हुई है। गांव के लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत मरहाना में तीन बच्चे, दो बच्चे मरहाना के व एक बच्चा साथ लगती पंचायत का तेंदुआ जो है वो खा चुका है पिछले एक डेढ़ साल पहले। विभाग को हम लोगों ने कुछ दिन पहले बताया था, लेकिन पहली बार तो उन्होंने उस पर हमारे बोलने पे कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों ने एक दिन, दो तीन दिन पहले मुझे फिर दोबारा फ़ोन किया कि पिंजरा नहीं लगा है, तो मैंने विभाग को बोला और उन्होंने, विभाग ने पिंजरा तो लगा दिया परंतु उसमें किसी भी पशु के को अभी तक जो है वो नहीं डाला है। मेरी विभाग से गुजारिश रहेगी कि या तो कोई शिकारी टीम इसे पकड़ के ले जाए, जिससे कि हमारे बच्चों को, लोग घरों में सहमे हुए हैं, उनको घास लाने की, पशुओं को पालने में दिक्कत ना हो, स्कूल में जाने के लिए बच्चों को दिक्कत ना हो। इसलिए मेरी विभाग से गुजारिश रहेगी कि कोई DFO बिलासपुर जी से मेरा निवेदन रहेगा कि स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करें। हमारे गाँव कुछ दिनों से जो है वो तेंदुए का जो इतना दहशत फैली हुई है कि गांव के लोग जो हैं वो अगर जिसके घर के मतलब फर्स्ट फ्लोर पे रसोई है तो वो रसोई से नीचे आने को भी, अपने जो बेडरूम में आने को भी डरता है, क्योंकि इतना ज़्यादा दहशत है। और स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो हैं स्कूल में जाते हैं तो उनको भी बहुत डर है, तो पेरेंट्स जो हैं उनको साथ लेकर जाते हैं स्कूल छोड़ने में। तो कृपा करके हमारी विभाग से यही गुजारिश रहेगी कि जितना जल्दी हो सके इस तेंदुए को या तो पकड़े या तो कोई और इसका समाधान निकाला जाए। ये मतलब तेंदुआ रात को निकलता है, दिन में भी कभी? दिन में भी, अभी दो दिन पहले दिन में इधर साइड में, जो साइड में घरेन के साथ में वो देखा गया है और वो कुछ कोई एक्टिविटी कर रहा था उस वक्त, तो शाम के टाइम घबराहट ज्यादा होती है। हाँ जी, शाम के समय एक रात मतलब कुछ रात में तो लगातार पूरी रात घर के साथ में गरजता रहता है जी, तो कोई भी मतलब रात को बाहर जाना है ऐसे तो डुबेल्ट तो लोग है नहीं कि घर के अंदर ही टॉयलेट बाथरूम है साथ में थोड़े अलग हैं, तो लोगों को जाने में भी डर लगता है। ये चार पांच पंचायत हैं जो हमारी बराड़ी रेंज में पड़ती हैं जहाँ पे ये साइटिंग हो रही है ऑफ एंड ऑन, तो जिसकी शिकायत इमीडिएटली गाँव वाले हमें दे रहे हैं और हमने वहाँ पर दो पिंजरे जो हैं एक्टिव कर रखे हैं, दोनों पिंजरों को बारी बारी डिफरेंट जगह पे लोकेट लगा रहे हैं ताकि उसको हम ट्रैप कर सकें। जहाँ तक साइटिंग की बात है, साइटिंग वहाँ पे है, अभी ये कंफर्म नहीं है कि एक तेंदुआ है या ज़्यादा तेंदुए हैं, परंतु वो जो तेंदुआ है उस किसी भी तरह का अटैक ना किसी डोमेस्टिक एनिमल पे किया है ना किसी व्यक्ति पे किया है, ऐसा उससे कोई खतरा नहीं है। और हमारा जो स्टाफ है, जितने हमारे गार्ड व्यू हैं, सबकी ड्यूटी लगाई गई है उन लोगों में
ग्राम पंचायत में जाके मीटिंग करके लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तेंदुओं के बिहेवियर के बारे में बता रहे हैं और किस तरह की प्रिकॉशंस गांव वालों को लेनी चाहिए उसके बारे में उनको जागरूक कर रहे हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्पर। डॉक्टर KDI's हॉस्पिटल, आपकी आंखों का हम रखेंगे ख्याल।